नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रश्न चार का हल करेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सीएम और 10 सीएम है तथा उसका परिमाप 42 सीएम है। देखिए, इस प्रश्न में एक त्रिभुज दिया हुआ जिसकी दो भुजाएं 18 सीएम और 10 सीएम दिया है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे। देखिए, मान लेते हैं इसको ए, इस भुजा को ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इस भुजा को मान लेते हैं सी, ठीक है। देखिए, माना ए बराबर 18 सी एम, ठीक है, बी बराबर 10 सी एम, और सी निकालना है, ठीक है। देखिए, प्रश्नानुसार ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सी एम। देखिए, प्रश्न में दिया हुआ परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, ठीक है। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है 42 सी एम, तो प्रश्न के अनुसार ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सी एम, ठीक है। अब देखिए, ए यहाँ दिया हुआ 18 सी एम, बी 10, सी निकालना है। देखिए, 18 10 ये हो गया 28 प्लस सी बराबर 42। तो देखिए, 28 को इधर लाएंगे तो देखिए 42 में 28 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 सी एम, ठीक है, यानी तीसरी भुजा निकल गया, ठीक है। देखिए, तीसरी भुजा निकल गया 14 सी एम, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, देखिए अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो देखिए, परिमाप दिया हुआ है 42 सी एम, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 21 सी एम, ठीक है। चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ठीक है, या ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ परिमाप दिया हुआ है। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी एस माइनस सी। देखिए, यह अर्ध परिमाप कितना है, 21 सी एम, और 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, ठीक है। तो देखिए, 21 में 18 घटाएंगे 3, और ये हो गया 11, और ये 7। तो देखिए, 21 को इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 7, 3 × 7 = 21 गुना 3 गुना 11 गुना 7। देखिए, यहाँ देखिए, 3 जोड़ा बन रहा है, ये 3 बाहर आ गया, और ये 7 एक जोड़ा बन रहा है, ये भी 7 बाहर आ गया, ये 11 अंदर में रहेगा, यानी √11। तो देखिए, इसका आंसर कितना आ गया, 7 = 21 √11 सी एम स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इससे पहले जितने भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं।